किया जाएगा। और ये फाइट आ चुकी है टीएसएम वर्सेस हैदराबाद आइटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट फाइट यहां पर बन सकती है क्योंकि टीएसएम टॉप 5 में आ चुकी है, बट कितना आगे लोग यहां से जाएंगे। और टीएसएम अगर यहां से अपने फिनिशर्स निकाल लेते हैं, वेल वी नो कि वो सेकंड पोजीशन को चैलेंज वापस से कर रहे होंगे, एंड वो चैलेंज कर रहे हैं। टीएसएम दे आर गिविंग एवरीथिंग दैट दे हैव, एवरी सिंगल M4 बुलेट काउंट्स, एवरी सिंगल AKM बुलेट काउंट्स, एवरी सिंगल फिनिश काउंट्स फॉर टीम सोलो मेड। स्ट्राइकर भी अगले प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं, उनको भी पिक किया जा सकता है आराम से। बट अभी भी आप देखें कि वो सर्कल को छोड़ के फिनिशेस के लिए जा रहे हैं। सामने पुकार पीछे से आ जरूर है, क्या उनको फर्स्ट एड मिले? चलिए नहीं, 3 टीमें 7 प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट किसी एक टीम का 1 प्लेयर सर्वाइव कर रहा है, वो है ओल्ड हुड का एक सिंगल प्लेयर। वो है कहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट चलिए लास्ट फर्स्ट एड था क्रेजी के पास, टॉप 3 तक लेके आए। जंप करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, 10 प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास तो आने वाले, बट TSM इजी विनर चिकन डिनर आने वाला है। स्ट्राइकर डाउन हो चुके हैं, कैरी लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं, अपनी टीम से कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा ओपन में वो इस वक्त प्रोन बैठे हुए। चलिए इसी के साथ कैरी को भी देखा गया, शैडो ने क्या देखा, चलिए अब तो जरूर देख लिया जाएगा। एक बढ़िया टॉप शॉट, व्हाट शैडो प्लेयर को देखा, प्लेयर को पिक किया। इट डजंट गेट एनी बेटर देन दिस, जिस तरीके से शैडो ने यहां पर फाइट निकाली। एंड वाह, मेरा सच में माइक निकल गया है।